चलिए दोस्तों, स्वेट मार्डन की पुस्तक सफलता की कुंजी का अगला शीर्षक, जो पहले मैंने बताया था, कठोर परिश्रम। रेडियम का आविष्कार करने के लिए क्यूरी दंपति को 300 प्रयोग करने पड़े थे। हर वैज्ञानिक को कठोरतम परिश्रम करना पड़ा, तब कहीं जाकर वह आविष्कार करने में सफल हो सके। इनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार निरंतर संघर्ष कर हिम्मत न हार वो ये सब करने में लगे रहे। उनके समान कठोर परिश्रम करना हम भी सीख लें। बार बार की असफलताओं के बावजूद वह कभी उदासीन होकर नहीं बैठे, हाथ पर हाथ रखकर नहीं रह गए, उदासीनता को अपने पास नहीं फटकने दिया। वैज्ञानिक एडिसन अल्वा ने अपने आत्मकथा में लिखा है, जब जब मेरा प्रयोग असफल हो जाता था तब तब मुझे बहुत झुंझलाहट होती थी, परंतु उस पर काबू पाना मैंने सीख लिया था। उदासीनता को पास आने नहीं देता था और अपनी असफलता पर ही विचार करता हुआ नए सिरे से सोचने लगता था कि ऐसी क्या गलती रह गई है जिस कारण यह कार्य नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार मैं गलतियां तलाश करने लगता था, फलतः एक के बाद एक गलतियां करता जाता और आश्चर्य से तब मैं पाता कि मेरा आविष्कार सफल हो गया है। सफलता का यही रहस्य है। जब अधिकतम आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जीवन में सफलता पा गए तो हमारे काम तो उनके मुकाबले काफी छोटे हैं। हम तो उनके परिश्रम के मुकाबले बहुत कम परिश्रम से अपने काम बना सकते हैं। संसार के बहुत से सफल महापुरुषों ने यह बात कही है कि जब भी आप में उदासीनता आने लगे, निराशा मंडराने लगे, तो उत्साह भंग न करें और तत्काल उसके कारण पर विचार करें। इसी प्रकार आपका मन बहकने से बच जाएगा, आप मनोविकारों के शिकार न हो सकेंगे। सचमुच मन पर काबू करने का यह अचूक नुस्खा है। इंसान को कमजोरी का पुतला माना गया है, अवगुणों की खान कहा गया है, फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए, मन पर काबू जरूर पाना चाहिए। विपत्ति में भी सुख का अनुभव करना, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना एक समस्या है। समस्या के लिए तो श्रम और दृढ़ निश्चय आवश्यक है। अतएव सबसे बड़ा कार्य यही है, मन को काबू में करना एक प्रकार से ईश्वर का भजन भी है। उसकी शक्तियों को पहचानना और उनके मुताबिक कार्य करना क्या ईश्वरी प्रार्थना नहीं है? हम उसके प्रति कृतज्ञता इस प्रकार प्रकट करते हैं तो वह प्रसन्न ही होता है। घंटा, घड़ियाल, आरती, नामोच्चारण से बढ़कर यह आराधना है। अपने मन पर नियंत्रण रखें, मन के तमाम मनोविकारों को भगा दें और उदासीनता, विफलता भूलकर भी गले न लगाएं। आप आगे बढ़ सकते हैं। वह मनुष्य जो सदा प्रसन्न रहता है, बड़े से बड़े संकट में भी जिसके चेहरे की प्रसन्नता कम नहीं होती, वास्तव में वही सुखी और सफल है। उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि यह जो संकट आया है वह क्षणिक है, तुरंत चला जाएगा। तो दोस्तों, कठोर परिश्रम का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।